सच साहस सरोकार। हमीरपुर में जिलाधिकारी ने की है प्रेस वार्ता, निकाय चुनाव संबंधी जानकारी दी। रायबरेली में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने दिया है धरना, उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर उठाई आवाज। रायबरेली में मिलावटखोर व्यापारियों पर हुई है सख्त कार्रवाई, 1.5 करोड़ का लगाया था आर्थिक जुर्माना। गाजीपुर में सामूहिक विवाह का हुआ है आयोजन, 349 जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह। अलीगढ़ में अपराधी ने न्यायालय की छत से लगाई है छलांग, घायल अवस्था में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सूची पर जिलाधिकारी ने राजनीतिक दल के लोगों के साथ बैठक की है, तो वहीं राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने आगामी 4 दिसंबर को अपने अपने बूथों की मतदाता सूची में सुधार करने के लिए आपत्ति दर्ज कराने की अपील की, जिसके मतदाता सूची में सुधार के आगामी 5 दिसंबर को मतदान सूची का व्यक्तिगत प्रकाशन किया जाएगा। विशिष्ट तिथियां 4 घोषित की गई थी, जिसमें से 3 विशिष्ट तिथियों में BLOs को उपस्थित रहकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कराना था, वो उन्होंने किया है। आज राजनीतिक दलों की बैठक इस आशय से बुलाई गई थी कि एक बची हुई तिथि जो 4 दिसंबर 2022 रविवार का दिन है, उसमें वो अपने अपने बूथ लेवल असिस्टेंट को, जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होते हैं, वो एक्टिव करें, ताकि ऐसे बूथ जहां पर कोई परिवर्धन या अपमार्जन नहीं हुआ है, या ऐसे बूथ जहां पॉलिटिकल पार्टीज़ को अभी भी लग रहा है कि उनकी मतदाता सूची में नाम जोड़ने को या काटने को, शुद्धिकरण के लिए रह गए हैं, तो वहां पर वो अपने BLO से संपर्क करके और उनको जोड़ने कटने वाले नामों के लोगों की सूची, उनके दावे, उनकी आपत्तियाँ प्राप्त करा दें, ताकि विधिवत उसका जाँच करने के उपरांत उस पर निर्णय लिया जा सके और मतदाता सूची को अपडेट किया जा सके। खबर हमीरपुर से, जहां जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर निकाय चुनाव से संबंधित जानकारी दी। कहा कि वार्डों के आरक्षण के संबंध में सूचना पटो वार्ड में चस्पा कर दी गई है और अन्य माध्यमों से भी आरक्षण के विषय में जानकारी दी जाएगी। जिलाधिकारी ने आपत्तियों के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है और निर्धारित समय में प्राप्त होने वाली आपत्तियों का निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश शासन ने हमारे वार्डों का, जो भी हमारे 7 नगर निकाय हैं, इनमें 3 नगर पालिका, 4 नगर पंचायत, इनके वार्डों का आरक्षण निर्धारित कर दिया है। वो कॉपी यहाँ आ गई और हमने आप सब लोगों को दे दिया, सूचना पट्टों पर लगा दिया है। उसके साथ अनुरोध केवल एक है, जो भी आपत्तियाँ हों 1 सप्ताह के अंदर लोग कर दें, आपत्ति का समय 1 सप्ताह का ही है, उनमें आपत्ति का निस्तारण कर दिया जाएगा। यदि कोई आपत्ति नहीं आएगी तो मान लिया जाएगा कि कोई आपत्ति नहीं है। और इसके अलावा जितने निर्वाचन संबंधी हमारी तैयारियां हैं, वो लगभग सभी मुकम्मल हो चुकी हैं। जैसे भी राज्य निर्वाचन आयोग का आगे आदेश मिलेगा, हम लोग निर्वाचन की शेष कार्रवाई सम्पन्न करेंगे। खबर अलीगढ़ से, जहां जिला न्यायालय जज ने वारंट के रिकॉल पर आए अपराधियों को जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं। आरोपी ने जेल जाने के डर से न्यायालय की छत से छलांग लगा दिया। घायल को पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल में भर्ती कर इलाज करा जा रहा है। क्या हो गया था? कुछ नहीं सर, मेरे क्या नाम है, एक केस में वारंट हुए थे 307 में, 12-13 साल पुराना मुकदमा चल रहा था, तो उसमें जो है मुझे जबरदस्ती उस मुकदमे में रख दिया था, जबकि था नहीं मैं उसमें मुकदमे में। क्या कोर्ट में गए थे आप? जी, मैं कोर्ट में वारंट रिकॉल कराने के लिए गया था मैं अपने। फिर क्या हुआ वहाँ?
तो सर वो जैसा कहने लगे कि जेल भेजेंगे इन्हें। सर मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, मैं घबरा के भागा वहाँ से, तो मैं कूद गया नीचे, तो मेरी चोट लगी। खैर, एक लाश क्षेत्र में जिसकी जमीन है, जिस पर नीरज धीरज बिमला और निहाल सिंह ने अंजनी कुमार एसडीएम साहब के साथ मिलकर एक राय होकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया और उस जमीन पर कब्जा करने की मार तमाम ने शिकायतें दी हैं चारों तरफ, लेकिन उस पर ये जानते बूझते और हर बार हमने इसकी कंप्लाइंस की कि इस पर ये भ्रष्टाचार गबन चल रहा है, लेकिन हमारी बात को उन्होंने अनदेखा करते हुए उनके पक्ष में काम करते रहे। आज कैसी जरह किया हमने? खबर आए बरेली से, जहां 2019 में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 9 व्यापारियों पर मिलावटखोरी के संबंध में कार्रवाई की जा रही थी। एडीएम प्रशासन कोर्ट ने मिलावटखोरी में लिप्त सभी आरोपियों पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया। आरोपी जीरे में फूल झाड़ू के जीरे की झाड़न मिलाकर बेचते थे। खाद्य विभाग अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी व्यापारियों को विधिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी का किया है। ये एक्ट में महाराजगंज में एक बार छापा मारा गया था, जिस दौरान यह प्रकरण सामने छाया था कि जीरे के रूप में मिलावटी पदार्थों की बिक्री कुछ कतिपय फर्मों के द्वारा किया जा रहा है। उनके विरुद्ध जो FIR दर्ज की गई थी, जो न्यायालय में हमारे केस चल रहा था, उसमें 5 लाख का जो अधिकतम जुर्माना होता है, साथ ही साथ 2 लाख का भी जुर्माना, इस आशा से कि उनके पास में निर्धारित जो लाइसेंस वगैरह होता है वो नहीं था, उस क्रम में लगाया गया है। यह लगभग 1.5 करोड़ की धनराशि है जिसको कि इन लोगों के से राज्य सरकार के पक्ष में वसूला जाए। गुना में अपहरण कर बालिका को बेचने का प्रयास करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं पुलिस टीम को DIG और पुलिस अधीक्षक ने 25,000 का इनाम देकर उत्साहवर्धक काम किया है। बता दें कि बाजार मथानतीगंज बड़गांव थाना कोतवाली के निवासी ने नगर गोंडा में प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी पुत्री को, जिसकी उम्र 3 वर्ष है, अज्ञात व्यक्ति द्वारा जिला महिला अस्पताल से अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तार कर लिया गया। जिला महिला चिकित्सालय जनपद गोंडा के वार्ड नंबर 205 से एक बच्ची के गायब होने की सूचना पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज थाना कोतवाली नगर स्वाट टीम और महिला थाना द्वारा बड़ी सफलता हाथ लगी है। 24 घंटे के अंदर बच्ची को बरामद करते हुए 3 अभियुक्त, सुषमा मिश्रा जो उमरी बेगमगंज की रहने वाली हैं और इसका भाई प्रदीप पांडे और एक अभियुक्ता शिवानी मजुमदार जो लखनऊ की रहने वाली हैं, इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई थाना कोतवाली नगर द्वारा की जा रही है। खबर आए बरेली से, जहां युवक युवती की शादी ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में गलथेश्वर मंदिर में संपन्न कराया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों बालिग हैं लेकिन परिजन शादी के लिए रजामंद नहीं थे। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीण और गांव के प्रधान की मौजूदगी में विवाह की रीति रिवाज से संपन्न कराया। रायबरेली में विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली विभाग के कर्मचारियों ने धरना दिया है। विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा अनवरत 4 दिन में से धरना दिया जा रहा था, तो वहीं कार्य का बहिष्कार करते हुए ध्यानाकर्षण कराया जा रहा है। जिस तरह से समस्याएं हैं बिजली विभाग के कर्मचारियों की और उपभोक्ताओं की, क्या समस्याएं, इन सब को लेकर आवाज उठाई गई। मेरा नाम कैलाश है, मैं अध्यक्ष हूँ राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन लखनऊ क्षेत्र।
आज धरने किस लिए बैठे हैं लोग? हम लोग धरने इसलिए बैठे हैं, पिछले 29 तारीख से हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं, क्योंकि हमारा जो शीर्ष प्रबंधन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन बहुत ही निरंकुश हो गया है, तमाम सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है और कोई नियम कानून का पालन नहीं कर रहा। जो सुविधाएं उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए जो सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं नहीं है, मैन मनी मटेरियल कुछ नहीं है, शिक्षाचारी है, तमाम ऐसी चिपकत हो रही है जो हम चाहते हैं कि बेहतर विद्युत उपभोक्ता सेवा हो, लेकिन एक निरंकुश जो उनका अनुशासन है उसके खिलाफ हम लोग धरने बैठे। हरदोई के कोतवाली इलाके में दो टेम्पो चालकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों के मोबाइल टूटने को लेकर विवाद होने की बात बताई जा रही है। पूरा मामला सीतापुर मार्ग पर जिदपीर ओवरब्रिज का है। दोनों में मामूली विवाद हो गया था, जिसके बाद एक का फोन टूट गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में जमकर मारपीट होने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को समझा कर बीच बचाव कराया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती वीरेश कुमार रीढ़ की हड्डी का इलाज करा रहे थे। डॉक्टर और स्टाफ कर्मी ने मरीज की पिटाई की, साथ ही मरीज की परिजनों के साथ भी मारपीट की। मरीज के परिजनों ने सीएमएस डॉक्टर अनूप अग्रवाल को घटना की जानकारी दी। सीएमओ डॉक्टर तरुन्नुम रजा के ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए। मेरे साथ जरा डॉक्टर जरा मेरे लिए दर्द हो रहा था, कमर में डकरा रहा था, खूब तेज रो रहा था। उसके बाद में डॉक्टर आए, मेरे साथ मारपीट की, दो तीन थप्पड़ मारे थे और मुंह दबा लिया था। हमने हमारा बच्चा चीख रहा डकरा रहा, तो हमने कही कि डॉक्टर साहब को बुलाने गए। मेरे की डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को देख कही क्या डकरा रहा है, बहुत जोर जोर से डकरा रहा है। आए हमारे साथ में कही डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़े डॉक्टर आए, उनने पूछा नहीं, उनने पूछा क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या बात है। तो ये रोते रोते बता नहीं पाया, तो तीन तो झांपड़े तीन चखा दे, और फिर जब मुंह फैला कर रो रहा है तो मुंह ऐसे करके बंद कर दिया ऐसे। ये अस्पताल उसमें जो है का पेपर में निकला था इनके बारे में, वीरेश के बारे में, कि ये यहाँ पे भर्ती है जिला अस्पताल में, और इनको टीबी की हड्डी की टीबी की बीमारी की वजह से ये काफ़ी दर्द है, काफ़ी दर्द की वजह से ये काफ़ी रोए चिल्लाए। तो उस जब रोए चिल्लाए तो इनकी माँ ने डॉक्टर को बुलाए, तो उस समय जो ड्यूटी पे डॉक्टर थे उन्होंने इनको थप्पड़ मारे तीन। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कानपुर में 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अभी तक कई सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया जा सका है, और खराब पैचवर्क से भी वाहन सवार हादसे का शिकार हो रहे हैं। शहर को गड्ढा मुक्त अभियान कागज में ही सिमट कर रह गया है, तो वहीं गड्ढों को मुक्त कराने का अभियान केवल दिखावा बनकर रह गया है। इस पर महापौर प्रमिला पांडे ने बताया कि जिन सड़कों पर पैचवर्क नहीं हुआ है उन्हें तत्काल गड्ढा मुक्त कराया जाएगा, कार में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की तो कानपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का आदेश था कि 30 नवंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करना था, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कानपुर नगर निगम और कानपुर लोक निर्माण विभाग PWD ने जैसा कि देखा है तो 127 किलोमीटर के पेचवर का दावा ठोका था, पर वो देखा जाए कहीं ना कहीं 9 करोड़ रुपये का जो टेंडर था वो टेंडर पूरी तरीके से बिल्कुल जीरो नजर आ रहा है। गड्ढा जो है किस तरीके देखे, गड्ढा जो पूरा बना और रोड जो है पूरी तरीके से रोड जो है जो देखा जाए नगर निगम कागज या PWD पूरी तरीके से बिल्कुल जीरो नजर आ रही है, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे रोड पर देखिए किस तरीके से लोग ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से बिल्कुल यातायात बिल्कुल बाधित रहता है। उसके बाद देखा जाए गड्ढा मुक्त ऐसे कई हादसे भी यहाँ हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो नगर निगम के जो दावे 127 किलोमीटर के दावे हैं वो पूरे दावे जो हैं पूरी तरीके से फेल नजर आते हैं। देखा जाए कहीं ना कहीं पूरा देखा जाए टेंडर जो प्रस्तावित हुआ था जो कानपुर पेचवर का, वो 9 करोड़ रुपये का टेंडर था, जिसमें 127 किलोमीटर का जो दावे देखे जाए तो पूरे दावे पूरी तरीके से फेल है, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो नगर निगम केवल कागजों में घिरी जा रही है। हमारे साथ क्षेत्र के दो तीन लोग हैं, वो बताएं किस तरीके से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदेश थे गड्ढा मुक्त करने का उसमें क्या देखा, क्या है पूरा हकीकत? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सिंह यादव है। अमित जी बताइए कि किस तरीके से गड्ढा मुक्त के लिए जो दावे सरकार ठोक रही है, नगर निगम आज क्लियरिफिकेशन दे रही है कि 127 किलोमीटर के जो गड्ढे हैं उसको पेचवर्क कर दिया गया है, 9 करोड़ का टेंडर कम देने के बावजूद देखा जाए कहीं ना कहीं गड्ढा। देखिए जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो ये सरकार केवल और केवल पेपरों पर काम करती है,
इस सरकार ने कई ऐसी डेटें दी कि इस डेट तक गड्ढा मुक्त हो जाएगा, लेकिन गड्ढा मुक्त की जगह रोडें गड्ढा युक्त होती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल खोखले वादे, पेपरों पे गड्ढा मुक्त रोड हो जाती हैं लेकिन आए दिन इन रोडों पे बहन बेटियां जो डिलीवरी के लिए जा रही होती हैं, अगर इन रोडों से निकलें तो कहीं ना कहीं उन बेटियों की या तो मृत्यु हो जाती है या रोड पे ही डिलीवरी हो जाती है। आए दिन मोटरसाइकिल कार वालों के एक्सीडेंट होते हैं, गिर के घायल होते हैं। क्या कागजों में केवल कानपुर स्मार्ट सिटी है कि आपकी नज़रों में कानपुर स्मार्ट सिटी है भी? आप देखिए चारों तरफ, आप देखिए कहाँ स्मार्ट सिटी दिख रही, जगह जगह गड्ढे दिख रहे हैं, जगह जगह गंदगी दिख रही, जगह जगह सुअर लौट रहे हैं। केवल और केवल पेपरों पर सरकार और नगर निगम कानपुर को स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी बना रही है। और देखा जाए इसके बाद कहीं ना कहीं अभी बहुत बड़ी महामारी चली थी उसको लेकर के इतने नगर निगम निकाय चुनाव भी आ चुके हैं, पर देखा जाए कहीं ना कहीं देखा जाए जो इतना बड़ा टेंडर होने के बाद इतना बड़ा घोटाला, इस पर आप क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं अधिकारियों और ठेकेदारों के मिली भगत है जो घोटाले हो रहे हैं। आप चाहे डेंगू के नाम पर ले लें, चाहे मलेरिया के नाम पर ले लें, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई फॉगिंग नहीं हो रही, कोई कीटनाशक दवाएँ नहीं डाली जा रही, जगह जगह खुले नाले पड़े हैं जिसमें आए दिन जिसको सरकार गौ माता कहती है आए दिन बेचारी गौ माता उसमें गिरकर घायल हो रही, मृत्यु हो रही है। तो धरातल पर पूरी सरकार और नगर निगम कोई भी कार्य नहीं कर रही, केवल और केवल कार्य इनके सब पेपरों में हो रहे हैं। तो सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया है कि गड्ढा मुक्त होना चाहिए 30 नवंबर तक, उसमें आप जमीनी अगर देखा है जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, इस तस्वीरों में 10 में से कितने नंबर सरकार देना चाहेंगे आप? इसके पहले शायद एक और डेडलाइन आई थी गड्ढा मुक्त की, उस डेडलाइन पर भी सरकार खरी नहीं उतरी। तो अधिकारियों की कहीं ना कहीं नाकामी है, ये जो आए दिन डेडलाइन बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन ये जो डेडलाइन है इस पे भी ये खड़े नहीं उतरेंगे और आपको शहर पूरा गड्ढा युक्त ही दिखेगा। क्या देखा है तो क्या एक तरह का देखा है तो पूरा नगर निगम चुनाव को लेकर लॉलीपॉप है क्या कानपुर वालों की? कहीं ना कहीं सरकार और नगर निगम के अधिकारी और क्षेत्रीय नेतागण कहीं ना कहीं जनता को एक लुभावने वादे दे रहे हैं, एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जनता की रोडें सब ठीक हो जाएंगी, सारी समस्या दूर हो जाएंगी, और जब जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे ही सब जस का तस धरातल पर रहेगा। देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमारे साथ जो क्षेत्रीय लोगों ने साफ कहना है कि जो सरकार है, जो सरकार के वादे है वो पूरी तरीके से धरातल स्तर पर है। कैमरामैन सागर साथ उपेंद्र साना कानपुर। प्रदेश सरकार की ओर से संचालित स्वामी विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके चलते गाजीपुर के RTI मैदान में कुल 349 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया जिसमें 3 मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे। वहीं हिंदू समाज की शादियां गायत्री परिवार के द्वारा हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कराई गई जिसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में वर और कन्या को जिला प्रशासन की तरफ से विवाह का प्रमाण पत्र के साथ आम का पौधा भी दिया गया। बेहतरीन तैयारी रही, आप सब देख रहे हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में जोड़ों के साथ उनके घर वाले भी आए हैं, तो मुझे लग रहा है 350 से कुछ नंबर कम है। तो सामूहिक विवाह का आज कार्यक्रम रहा है, मैं जिला प्रशासन को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बेहतर आयोजन किया और जितने आए हुए सभी वर पक्ष या वधु पक्ष को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएँ देता हूँ, उनका जीवन बेहतर रहे और आगे एक ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे। मैं पूज्य महाराज जी को इस योजना के लिए भी धन्यवाद देता हूं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।